चलिए बताइए क्या दिक्कत आई भाई, कौन सी क्वेश्चन प्रॉब्लम है? अच्छा कौन क्वेश्चन प्रॉब्लम बताइए। बंद कौन सा? फिर से बोलिए। 41 41 41। अच्छा देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है आपका, एफ ऑफ एक्स लिखा है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कह रहा आपको कि किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, क्या पूछ रहा है? कह रहा डिसकॉन्टिन्यूअस ऑन आर, मतलब हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2, लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2, और साथ में लिखा हैज नो लोकल एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब मिनिमा या मैक्सिमा दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक्सट्रीमा कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक्स को एक्सपेंड कर लो चाहो तो पहले। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। इसको जरा ब्रेक करो भाई, इसका ग्राफ तो बनाना मुश्किल है भाई, नहीं ग्राफ नहीं बना पाएंगे, दिक्कत करेगा। हाँ तो ये जो लिखा है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल इतना लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको एक्स पहले आप लोगे 0 -1 लोगे, पहले एक्स जो है माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स है खाली, तो पहले माइनस वन से कम। तो जब माइनस वन से कम लोगे तो तब उस केस में तो ये 0, तब ये निगेटिव रहेगा। माइनस वन से कम तो 0 से कम तो अपने आप हो जाता है। यहाँ पर माइनस वन से कम यानी भाई तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये तो, और माइनस वन से कम में ये भी नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा ना। जब किस कौन सा केस आया है? जब एक्स माइनस वन से कम है। अब लोगे आप वन या वन से ज्यादा, माइनस वन या उससे ज्यादा लेकिन 0 से कम, माइनस वन या उससे ज्यादा लेकिन 0 से कम। तो माइनस वन या उससे ज्यादा लेकिन 0 से कम, 0 से कम है तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस वन से ज्यादा है इसलिए ये पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव रहेगा। हाँ अब ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस 0 से कम है ना, 0 से तो कम है, 0 से कम है तो ये नेगेटिव होगा। फिर आगे आ जाओगे, 0 या 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम, तो 0 से ज्यादा है इसलिए ये पॉजिटिव, 0 से ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव, 0 से 1 से कम है इसलिए ये नेगेटिव। एक और अब आ जाएगा, वन या वन से ज्यादा, वन या वन से ज्यादा में ये भी पॉजिटिव, वन से ज्यादा नंबर यहाँ रखोगे आएगा पॉजिटिव, वन से ज्यादा नंबर के लिए ये भी क्या होता है? पॉजिटिव। हमें पूरा बताया हुआ भाई, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम पूरा। तो ये कितना आएगा जरा बताना? ये आ जाएगा माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये कब है? जब एक्स आपका माइनस वन से कम है, और ये लिखा आपका माइनस का एक्स और
हमें लिखा है माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा आप तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका ये प्लस माइनस का माइनस, और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन है गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, ये लिखा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था, एक्स माइनस वन तो कहीं था भी नहीं है इस तरफ, एक एक्स प्लस वन था दूसरा एक्स माइनस वन था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, हाँ अब ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये भी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आखिरी वाला है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, वन या वन से ज्यादा। तो ये चीज पूरी आपकी हो गई, क्या बोल रहे हैं, छियालीस उनचास चौवन सत्तावन इकसठ, चलो देखते हैं भाई, पहले याला बता दे उसको भी देख लेंगे। ये पूरा आपका फंक्शन हो गया है, अब बात आ रही कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, कह रहा हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, अरे भाई तो पॉलिनोमियल है सब पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इसे डिसकॉन्टिन्यूअस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो पॉलिनोमियल है तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, तो ऊपर से मिरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इसको, देखना जरा सा यहां लिख दे रहे हैं हम, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं लोग एफ ऑफ एक्स हर पॉइंट पे, चाहे इस पे कहो चाहे इस केस में चाहे इस केस में चाहे इस केस में, एफ ऑफ एक्स हर केस में पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है कि f of x is continuous everywhere for all, everywhere कह दो या कह दो for all x belongs to R, ये चीज आपकी ठीक है। अब दूसरी बात आ जरा, अब कह रहे लोकल मिनिमा, f of x का लोकल मिनिमा है किस पे, x बराबर प्लस माइनस वन बाई टू पे, तो आपका दूसरा पार्ट उठाओ, ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू चेक कर रहे हो ठीक है, ऑप्शन टू में x बराबर किस पे कह रहा है, प्लस माइनस वन बाई टू पे, भाई प्लस माइनस वन बाई टू कहां पर आएगा भाई, x बराबर प्लस वन बाई टू यहां पर आएगा और x बराबर माइनस वन बाई टू यहां पर आएगा, तो दोनों अलग अलग केस उठा लो, पहले क्या ले लो, पहले ले लो x बराबर प्लस वन बाई टू पहला पार्ट, जब x बराबर प्लस वन बाई टू कहोगे तो x बराबर प्लस वन बाई टू कहां है, इन दोनों के बीच यहां, और ये कितना लिखा है आपका, ये लिखा है, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स कौन सा ले लोगे, इसके लिए एफ ऑफ एक्स ये ले लोगे ठीक है, ये ले लोगे एफ ऑफ एक्स वन बाई टू यहाँ आ रहा है, अच्छा यहाँ पर आपका इसको वाई मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस का टू एक्स, इतना तो एक्स आ जाएगा वन बाई टू, फिर क्या निकालते थे याद होगा इंटर में, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालोगे तो ये आ जाए कितना, दोबारा फिर से किया आपने, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालोगे तो माइनस टू एक्स का माइनस टू ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा हो गया फिर, तो ये तो क्या होगा, कहोगे मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा किस पे, एक्स बराबर वन बाई टू पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन ऐसा ही होगा, नीचे वाला थर्ड वाला, ऐसे एक्स बराबर माइनस वन बाई टू पे कर लो तो लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, अच्छा लोकल मिनिमा नहीं मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है किस पर, वन बाई टू पे, अब माइनस वन बाई टू पे करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना जरा,
माइनस वन बाई टू पे मिल रहा है, तो ये माइनस वन बाई टू उठाइए। अब माइनस वन बाई टू पे कहेंगे तो माइनस वन बाई टू कहाँ आ रहा है, माइनस वन बाई टू आ रहा है इनके इनके बीच, इनके बीच यहाँ पर आ रहा है माइनस वन बाई टू। तो फंक्शन क्या लिखा है, माइनस एक्स लिखा है यहाँ पर, तो ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स, माइनस का वन, ये हो जाएगा माइनस का वन बाय टू। ठीक है, और दोबारा फिर से करोगे तो तब भी माइनस टू ही आएगा, तो माइनस नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, तो एक्स बराबर माइनस वन बाई टू पे भी क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा लोकल मैक्सिमा मिल रहा है भाई आपको, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा दोनों बोलते थे मैं, आपको याद होगा, एट एक्स बराबर प्लस वन बाई टू पे भी और माइनस वन बाई टू पे, दोनों पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, ये चीज। अच्छा भाई ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट है। चलो तो डाउट हो तो बताइएगा, और बताइए भाई, आजकल भाई कुछ दिन तबीयत नहीं ठीक है, हम जल्दी क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, अभी आज 6:45 बजे लगाने जाते हैं, इसे कॉल आ गया तो टाइम लग गया। और बताइए सर, 44 नंबर। चलो ठीक है, तो 44 क्या कह रहा है, रैशनल वाले का एक शॉर्ट ट्रिक बताया आपको, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं फिर करेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले एक शॉर्टकट बता रहे रैशनल, रैशनल वाले कई क्वेश्चन आपको मिले होंगे अभी तक, अभी एक क्वेश्चन फिर मिल रहा है आपको, और रैशनल रैशनल वाला पीछे भी एक क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, रैशनल रैशनल वाले अक्सर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इसका हम शॉर्टकट बता रहे, पीछे भी एक क्वेश्चन था शायद कहीं पर, एक्स पीछे क्वेश्चन था शायद एक्स और वन माइनस एक्स करके क्वेश्चन है पीछे रैशनल रैशनल केस में, ये भी एक क्वेश्चन था मैंने देखा था कहीं, ये लिखा आपका एक्स की पावर फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स आपका ये जब है जब एक्स आपका रैशनल है, और ये तब है जब आपका एक्स इरेशनल है। हम एक बात आपको बताए, सुनो ध्यान से, आपसे कह रहा है वो सेट एस निकालो, कि लेट एस क्या है, एस बी द सेट ऑफ, एस बी द सेट ऑफ पॉइंट, एस आपके वो पॉइंट्स हैं, एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अब हम आपको एक बात बता दे, सुनो ध्यान से, जब भी रेशनल इरेशनल वाले क्वेश्चन रहे, डायरेक्ट सुनो, सब लोग डायरेक्ट सुनो, अगर कॉपी रखे हो तो लिख लेना जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आपको हर चीज डायरेक्ट लिखनी है एग्जाम में। अगर रेशनल इरेशनल में यहाँ कॉन्स्टेंट है और दोनों कॉन्स्टेंट अलग अलग है, सिर्फ कॉन्स्टेंट फंक्शन है, यहाँ भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, यहाँ भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है और दोनों अलग अलग है, तो फिर सीधे सीधे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है एवरीवेयर। फिर से बोल रहे हैं, आई रिपीटेड, रेशनल इरेशनल वाले क्वेश्चन में अगर ये एक्स रेशनल है, ये रेशनल है, अगर ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और ये दोनों अलग अलग कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये अलग अलग, यहाँ मान लो प्लस वन, यहाँ मान लो माइनस वन है, एक क्वेश्चन कराया अभी तभी हमने, तो फिर वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, लिख लिया, अगर कॉपी रखो लिख लेना है भाई, हमेशा के लिए अब याद रखना, आपको डायरेक्ट यही करना है। अब सुनो, अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, एक्स के फंक्शन है यहाँ पर, या यहाँ पर, या दोनों जगह एक्स के फंक्शन है, तो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं, बस उस पॉइंट पे, यानी उस एक्स की वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस होता है फंक्शन, उस एक्स की वैल्यू पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है जिस एक्स की वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू सेम आती है, जिस एक्स की वैल्यू पे ये दोनों वैल्यू सेम आती है, उस एक्स की वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं,
अगर ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, तब तो डायरेक्ट, अगर ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, अगर ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है रेशनल और इरेशनल के केस में, अगर ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है तो आपका क्या होता है भाई, अगर दोनों कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर दोनों सेम कांस्टेंट है तब तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, अगर दोनों अलग अलग कांस्टेंट है ये दोनों तो फिर आपका वो डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सेम फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, और डिफरेंट कांस्टेंट है अगर ये अलग कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर ये अलग कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब बात करती है अगर यहाँ पर एक्स का फंक्शन है या यहाँ एक्स का फंक्शन है या ये वाला एक्स ये वाला दोनों एक्स का फंक्शन है तो आपका क्या होता है, आपका सब कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे होता है ये समझ लो, बाकी डिसकॉन्टिन्यूअस अपने आप आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों, उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू सेम आती है। कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू सेम आती है। कॉन्टिन्यूअस उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यू सेम आती है। बात समझे भाई, जिस पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम आती है, पॉइंट मतलब भाई एक्स की वैल्यू। अब आप देखो यहाँ पर x बराबर 1 पे ये दोनों सेम आ रहा है, चेक करो एट x बराबर 1 पे क्या आ रहा है, x बराबर 1 पे दोनों सेम आ रहा है। देखो x बराबर 1 पे ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, रैशनल के केस में भी इरेशनल में बराबर आ गया। अच्छा और x बराबर माइनस 1 पे भी देखो, x बराबर माइनस 1 पे देखो क्या आ रहा है भाई, माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, दो में से एक गया एक, ये रैशनल में भी इरेशनल में भी सेम आ गया ना। बाकी और कुछ भी रख लो माइनस वन प्लस वन के अलावा कुछ भी रख लो, किसी पे सेम नहीं आएगी दोनों वैल्यू। टू रखोगे अलग आएगा, ये दो की पावर 4 16 होता है, यहाँ दो रखोगे 2 × 4 × 8 में से 7 अलग अलग आ रहा है। बाकी और कुछ भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, सब पे अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या कहोगे, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे हो रहा है, 1 पे और माइनस 1 पे। तो सेट एफ क्या था, सेट एफ वो पॉइंट है जिन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वो पॉइंट कौन कौन है, माइनस 1 और प्लस 1, खत्म। चलिए बताइए अब, गेट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, लेकिन आप रेशनल रेशनल वाली बात अब हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत होगा ही नहीं आपका। और बताइए, 46 वो आपका संजीत देखा था, बार बार खोल के देखना पड़ेगा इसलिए पूछ ले रहे हम, बोल दे रहे सर कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो 46 जो है आपका क्या है, अब रेशनल रेशनल वाले क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ जाए यही कॉन्सेप्ट लगाना, हर हालत में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी से, एक मिनट से भी कम का टाइम लगेगा आपको देखने में। ये तो हमने समझाने के लिए इतनी लैंग्वेज लिख दी, आपको लैंग्वेज भी नहीं लिखने की जरूरत है, आपको तो खाली देखते ही आपको आंसर आ जाएगा रेशनल रेशनल वाले में। 46 कह रहा है भाई, ये नेट का क्वेश्चन है, जून 2011 का क्वेश्चन है ये, कह रहा है लेट आई जो है आपका 1 2 1 यूनियन 2, जहां पर ये दोनों किसका सबसेट है, आर का 1 यूनियन 2, ये सीधे सीधे 1,2 नहीं लिख सकते थे इसको, लेट फाइव एक्स जो है आपका कह रहा है डिस्टेंस फंक्शन है DIS, और ये लिखा है x, i, इसका मतलब होता है DIS का मतलब है डिस्टेंस फंक्शन, किसके बीच की डिस्टेंस, x और i के बीच की डिस्टेंस, उन्होंने दे भी दिया x और i के बीच की डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इनफीमम ऑफ ये पढ़ाया जाता था पहले, x माइनस का y, जहां पर y क्या जा रहा है, जहां पर y जा रहा है आपका i में, तो ये आपका फाइव एक्स है। तो आपसे ऑप्शन जो नहीं लिख रहा मैं, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, टाइम पूरा बोर्ड भर जाएगा, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, खाली पढ़ दे रहा है ऑप्शन। तो आपसे कह रहा है कि फाइ जो है, क्या वो फाइ जो है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है समवेयर ऑन आर, कि फाइ जो है फाइ जो है क्या वो फाइ आपका
डिसकॉन्टिन्यूअस है समवेयर ऑन आर, मतलब किसी रियल नंबर पे, मतलब एक्स की कोई वैल्यू पे फाई आपका कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस है। अच्छा ठीक है, फिर आपसे कह रहा है अगला ऑप्शन है कि फाई कॉन्टिन्यूअस है ऑन आर पे, मतलब सारी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, चलो ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि फाई कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट वस बराबर वन एंड टू, कॉन्टिन्यूअस पूरे पे है लेकिन डिफरेंशिएबल वन पे और टू पे नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि फाई जो है वो कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट एक्स बराबर वन, थ्री बाई टू एंड टू, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं नहीं है फाई, कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं नहीं है, ठीक है। अब ये इन्होंने आई को वन यूनियन टू क्यों लिखा है, वन यूनियन टू का मतलब तो वन कॉमा टू ही होता है। वन यूनियन टू का मतलब तो वन और टू ही होता है भाई, तो इसका ये मतलब है अगर इसको लिखा जाए तो सीधे सीधे ये कह सकते हो आप कि फाइव एक्स बराबर जो है वो आपका इनफीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, और जहां पर वाई कितना है, आई, आई का मतलब कौन है, वन यूनियन टू का मतलब होता है वन कॉमन टू एक्स साथ भाई, यानी इसका मतलब वाई आपका कौन है, वाई आपका वन है और टू है, वन यूनियन टू का मतलब वन है और टू है, करली ब्रैकेट में है, करली ब्रैकेट का मतलब पूरा एक साथ करोगे तो वन कॉमन टू हो जाएगा, वो करली ब्रैकेट मतलब सेट होता है, तो वाई आपका ये है, तो या ऐसे कह दो यानी वाई बराबर एक बार यहां पर वन रखोगे और एक बार यहां पर वाई बराबर टू है, ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है और ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू है, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि इनफीमम ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन और यूनियन एक्स माइनस टू, ये चीज, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। अब वाई की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे जहां पर एक्स क्या है पता है ना, एक्स तो पूरा रियल नंबर होता है, ये भी लिख दे रहे हैं मैं आप पर, जहां पर एक्स क्या है पूरा रियल नंबर, फाइव एक्स की वैल्यू ये हो गई। अब आपको एक बात तो पता ही है, देखो कॉन्टिन्यूअस ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, हमेशा याद रखना, आपको पता है ना मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हमने एक दिन बताया था मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ है ये पॉइंट वन कॉमा जीरो है, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसे बनता है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ है टू कॉमा जीरो, ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ है, और ये वाला जो है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ है, ये चीज है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ है और ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ है। अब बात जरा समझना भाई, आपको पता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो एवरीवेयर होता है, दिख ही रहा है, कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है ग्राफ, ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, ब्रेक नहीं हो रहा है, ये भी आपका इरेज हो गया है, ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पर, ये कहीं पर ब्रेक तो हो नहीं रहा है ग्राफ, तो ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। अब बात आती है डिफरेंशिएबल की, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन किस पे डिफरेंशिएबल होता है, जिस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, हमने कहा था जब ग्राफ की बात करते हो तो जहां पर आपका शार्प पॉइंट मिलता है, ऐसे ये शार्प पॉइंट ये होता है, जहां पर आपको शार्प पॉइंट मिलता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो x बराबर वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ शार्प पॉइंट मिला है, शार्प शार्प समझते हो ना, एक ऐसे राउंड पॉइंट होता है, यह ऐसे राउंड होके आगे मुड़ रहा है और एक ऐसे शार्प होके मुड़ता है, जब शार्प होके मुड़ता है ये हमेशा जब ऐसे ग्राफ बन रहा हो कभी कि राउंड होके ऐसे मुड़ रहा हो ग्राफ, तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है, कॉन्टिन्यूअस तो एवरीवेयर है ही, उसको हटाई दो, ये भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये राउंड होके ग्राफ ऐसे मुड़ रहा है इसका मतलब है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है ये, लेकिन ये राउंड होके नहीं मुड़ रहा है, ये ऐसे डायरेक्ट ऐसे मुड़ रहा है, शार्प पॉइंट ये शार्प है, यहाँ पर शार्प कोई पॉइंट नहीं मिला, यहाँ पर डायरेक्ट राउंड होके मुड़ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, जबकि ये कैसे मुड़ रहा है, ये आपका शार्पली मुड़ रहा है, ऐसे आया सीधा ऐसे मुड़ गया, शार्पली मुड़ रहा है, तो ये नोक मिल रही है, नोक जब ग्राफ मुड़ रहा हो और मुड़ने पे नोक मिल रही हो, मोड़ पे नोक मिल रही हो, तो फिर वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ग्राफ वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, टू पे नहीं है। अब बात आती है थ्री बाई टू पे है कि नहीं है चौथे ऑप्शन में, क्योंकि देखने में तो लग रहा है तीसरा ऑप्शन हो गया,
लेकिन चौथे ऑप्शन में आपको 3/2 भी दे रहा है। अब देखते हैं 3/2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज लिख देते थोड़ी सी हम, तो आपको मालूम है क्या हो गया है। तो इसका मतलब 5x इज नॉट डिफरेंशिएबल, 5x डिफरेंशिएबल नहीं है एट x बराबर किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है और 2 पे नहीं है, इन दोनों पे तो नहीं है। अब 3/2 ऑप्शन नंबर 4 में 3/2 भी कह रहा है, तो x बराबर 3/2 पे भी चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। चलो करते हैं जरा हम लोग, इसको मैं रेस करने जा रहे हैं। इरेज कर रहे हैं इसको, x बराबर 3/2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसको हम लोगों को चेक करना है। तो इसके लिए काम कर लेते हैं हम लोग, भाई एक काम करते हैं, x बराबर 3/2 से कम और x बराबर 3/2 से ज्यादा ये फंक्शन को तोड़ डालिए करे, तो ये इनफीमम ऑफ ऐसे ही, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 3/2 से कम, और एक बार क्या कर लेना 3/2 या 3/2 से ज्यादा। अच्छा 3/2 से कम के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा 3/2 से कम का मतलब, रुक जाओ जरा सा, मैं एक मिनट भाई, एक मिनट पहले आप और ब्रेक करो जरा थोड़ा सा, ऐसे नहीं ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो 1 या 1 से कम। ठीक है, पूरा नहीं ब्रेक कर रहे, जरूरत नहीं इतनी ज्यादा हमको, 1 या 1 से कम वाला नहीं ब्रेक कर रहे, उसका काम नहीं है। ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा, 3/2 से कम, खाली इसका काम है। तो इसका लो खाली 3/2 वाला पूरा ब्रेक नहीं कर रहे फंक्शन हम, तो जरा बताओ क्या मिल जाएगा आपको। यहाँ आपका आ जाएगा 1 या 1 से ज्यादा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और यूनियन, और ये लिखा आपका 3/2 से कम। 3/2 से कम का मतलब यहाँ 3/2 से कम नंबर रखोगे अंदर तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो फिर आपका ये मॉडुलस, फिर ये माइनस का आ जाएगा आपका ये। अच्छा फिर आपका हो जाएगा 3/2 या उससे ज्यादा लेकिन 2 से कम, बस आपको इतना ही काम था, पूरा नहीं ब्रेक किया हमने फंक्शन, वरना 1 से कम भी होता है, फिर 2 या 2 से ज्यादा भी होता है, बहुत सारे होंगे, 2 और होंगे, तो हमने पूरा नहीं ब्रेक किया। ये यूनियन है, बीच में ऐड मत कर देना, ये यूनियन है, प्लस नहीं है जो ऐड कर देंगे आप। हाँ तो 3/2 से ज्यादा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 3/2 या उससे ज्यादा, एक मिनट, 1 या 1 से ज्यादा लेकिन 3/2 से कम, और 3/2 या उससे ज्यादा, 3/2 या उससे ज्यादा जो है उसमें तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, फल पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 2 से कम है, तो 2 से कम है तो ये आपका क्या रहेगा, 2 से कम के केस में, 2 से कम के केस में आपका नेगेटिव ही रहेगा, तो फंक्शन सेम मिल रहा है, ये फंक्शन तो आपका सेम मिल रहा है। एक सेकेंड फिर से चेक करना तो जरा भाई, एक सेकेंड जरा सा, थ्री बाय टू से कम और 3/2 से थोड़ा कम और 3/2 से थोड़ा ज्यादा, दोनों ही केस में हाँ एक ही फंक्शन मिलेगा, 3/2 से थोड़ा कम तब भी यही आपका फंक्शन आएगा, और 3/2 से थोड़ा कम तब भी आपका यही फंक्शन रहेगा, और 3/2 से थोड़ा ज्यादा तब भी यही फंक्शन रहेगा, नहीं फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन तो एक ही आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा अब इसका इनफीमम, भाई दोनों एक ही फंक्शन है, कोई फायदा नहीं है लेकिन निकालने से, इसलिए कोई बात नहीं, निकाल लिया, अलग अलग लिख लिया हमने, दोनों एक ही फंक्शन है आपका, तो 3/2 से कम पे भी और ज्यादा पे भी और बराबर पे भी सब पे एक ही फंक्शन आएगा, यही एक फंक्शन है। डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, एक मिनट, 5x जो है वो आपका इनफीमम ऑफ, इनफीमम मतलब सबसे कम वैल्यू, हाँ तो ये नहीं बन पा रहा यार, ये 3/2 पे डिफरेंशिएबल,
तो ये आपका जो बन रहा है एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, तो कॉन्टिन्यूअस तो हो रहा है, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। चलो डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा ये, अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पे चलाए, अगर दिक्कत हो, देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का वन, और यहां पर हो जाएगा, नहीं सॉरी, वन यहां हो जाएगा माइनस वन। नहीं यार, डिफरेंशिएबिलिटी में 3/2 वाला नहीं हो पा रहा है। एक मिनट भाई, बता रहे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक बात और है, क्योंकि हमने हमने कंबाइंड ग्राफ नहीं बनाया ना दोनों का, हमने अलग अलग ग्राफ बनाया ना हमने। एक सेकंड, ठीक है ठीक है, हमने तो अलग अलग ग्राफ बनाए, कंबाइंड ग्राफ नहीं बनाया हमने। तो देखो हम, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे तो हम कंबाइंड ग्राफ पहले आपको बना दे। कंबाइंड मतलब दोनों एक साथ पूरा ग्राफ बना दे हम। भाई ये किसका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ होगा, एक मिनट रुकना, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, आराम से आ जाएगा। ये आपका ग्राफ जो है वो किसका ग्राफ होगा, मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ है ना, और यहाँ पर कितना पॉइंट मिलेगा, 1,0, ठीक है। अच्छा अब ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स माइनस टू का, तो इसी में साथ ही बनाओ मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ। मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, यहाँ पर ये 1,0 पे काटता है, मॉड एक्स माइनस टू वाला 2,0 पे काटता है ना, तो ये मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ हो गया। ये हो गया आपका मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ, ये आपका हो गया मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ। तो कहां, हमने बताया था कहां कहां पर डिफरेंशियबल नहीं होता है, जहां जहां पर आपको नोक मिलती है, मतलब राउंड होके मुड़ता है। तो देखो ये भी तो राउंड होके यहाँ से ऐसे ये राउंड होके मुड़ा, तो इस पे वन पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, फिर यहाँ पे भी राउंड होके, सॉरी राउंड होके कह रहे हैं, नोक पे, यहाँ पे भी नोक मिल रही ग्राफ में, ये भी डिफरेंशियबल नहीं होगा, और यहां पर भी तो नोक मिल रही है। देखो जो सब लोग देखो, यहां पर भी तो नोक मिल रही है, इस पॉइंट पे भी डिफरेंशियबल नहीं होगा भाई, यहाँ पे भी तो नोक मिल रही है। अगर दिक्कत है तो आप ये पूरा पार्ट ऊपर वाला इरेज कर दो, ऐसे कर दे रहे हम, इस तरह से बना दे रहे, ये इरेज कर दिया हमने। अब देखो पूरा ग्राफ कंप्लीटली ग्राफ ये है भाई, डब्ल्यू बना हुआ है, तो नोक कहाँ मिल रही है, नोक यहाँ मिल रही है, यहाँ डिफरेंशियबल नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट निकालने के लिए आप भाई, कौन सा पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये मॉड एक्स माइनस टू वाला ग्राफ था, ये मॉड एक्स माइनस वन वाला ग्राफ है, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों ग्राफ को बराबर कर दिया जाता है, दोनों को बराबर कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आता है। किस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे, आप खुद देख लो, किस पॉइंट पे दोनों ग्राफ बराबर होंगे, साफ दिख रहा भाई, दोनों किस पे बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे होंगे, देखो 3/2 पे बराबर आएंगे दोनों। देखो एक्स बराबर 1 रखोगे तो अलग अलग आएगा, नहीं 1 पे भी बराबर आ रहा है भाई,
वन पे बराबर आ रहा होगा, नहीं वन पे जीरो आ रहा है, नहीं, वन पे अलग आ रहा है, एक्स बराबर टू पे भी अलग आ रहा है, हाँ एक्स बराबर थ्री बाई टू पे दोनों सेम वैल्यू आ रही है, देखो सब लोग, एक्स बराबर थ्री बाई टू पे दोनों सेम आ रहा है, देखो तो ये इसका सोल्यूशन कितना आएगा, एक्स बराबर थ्री बाई टू, भाई ये भी थ्री बाई टू माइनस वन कितना आ जाएगा वन बाई टू, ये भी थ्री बाई टू माइनस टू कितना आ जाएगा वन बाई टू, मॉडुलस है इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब कहाँ ने एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स बराबर थ्री बाई टू पे, तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट कौन होगा जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्री बाई टू, और इस पर भी नोक मिल रही है, ऐसे ग्राफ जा रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना भाई, ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो इस पर वन पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल, टू पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल, और एक्स बराबर थ्री बाई टू पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट, इतना बस हो गया भाई, ठीक है, थोड़ा सा डाउट था यहाँ पर थ्री बाई टू वाली बात जो डाउट में थी, हो गया पूरा हो गया, कोई डाउट हो बता दीजिए भाई, किसी को कोई डाउट हो फिर से पूछ लीजिए, कोई डाउट हो बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था, इसे बड़ी नॉलेज हुई इस क्वेश्चन से, किस तरह से निकालते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, किस तरह से करते हैं, कई बार इन्फिमम इन्फिमम बड़ा कंफ्यूज करता है कि इसको किस तरह करेंगे, तो इसका कोई यूज नहीं है, इसको ऐसे पढ़ रहने दो, मेन आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, तो मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ ये बनाया, मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ इसी में बनाना, इसी में अलग नहीं बनाना, पिछली बार हमने अलग बना दिया था इसीलिए गड़बड़ कर रहा था, तो मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ हमने इसी के साथ ये बनाया ऐसे, तो ये यहाँ पर कहीं पर काट रहा है, जहां पर काट रहा है वो पॉइंट निकालने के लिए, वो पॉइंट निकालने के लिए कभी भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो दो ग्राफ का, तो दोनों ग्राफ को बराबर कर दो, बराबर करके देख लो एक्स की किस वैल्यू पे बराबर आ रहा है, बराबर करने का मतलब है देख लो एक्स की किस वैल्यू पे बराबर आ रहा है, एक्स की जिस वैल्यू पे ये बराबर आ रहा होगा, ठीक है, वो एक्स वैल्यू पर, वो एक्स की वैल्यू कौन हो जाएगी जिस पर वो ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, थ्री बाई टू आया, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू है, अब जब ये ग्राफ पूरा बनाओगे आप तो इसको इरेज कर दो थोड़ी देर के लिए, आपको दिख रहा है ये कहाँ पर ऐसे एक शार्प पॉइंट ये मिल रहा है, तो एक्स बराबर वन पे नहीं होगा डिफरेंशियबल, एक शार्प पॉइंट ये मिल रहा है, ये भी तो ऐसे होकर जा रहा है ना, राउंड हो गया है, राउंड होकर नहीं जा रहा है, ऐसे शार्पली मुड़ रहा है, तो इस पर भी डिफरेंशियबल नहीं होगा और इस पर भी डिफरेंशियबल नहीं होगा, तीनों पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, वन पे भी नहीं होगा, थ्री बाई टू पे भी नहीं होगा और टू पे भी नहीं होगा, ठीक है, तो आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है तो अगला बताइए, कौन सा पूछना था संजीत, सर कौन सा 49 कह रहा आपसे कि लेट एफ बी मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है ये, अगर एफ आपका मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, भाई जैम वाले भी अपना लगाए क्वेश्चन, जो दिक्कत है हमको पर्सनली पूछ लें, ठीक है, पर्सनली भी पूछ लिया तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप वगैरह कर दो, हम देर सवेर आंसर दे ही देंगे, ये मत सोचना भाई आपको पूछोगे फौरन आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम लग जाता है, फुर्सत पाएंगे शाम को रात को तो हम दे देंगे आंसर आपको, तो एफ आपका जो है वो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है, चलो कोई बात नहीं, तो देन आपसे कई सारी चीजें पूछ रहा है यहाँ पर, आपसे पहले पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ए, और तीसरा दूसरा ऑप्शन कह रहा है इफ ए लेस देन बी तो लिमिट एफ एक्स ए से ज्यादा पे और बी से कम पे एफ एक्स की लिमिट जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी, और साथ में आपसे कह रहा है एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि जी एक्स इक्वल टू है e की पावर माइनस का एफ ऑफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन, तो चलो करते हैं जरा हम लोग, तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में फिर से एक बार बोर्ड पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पूरे सारे ऑप्शन ही लिखने पड़ेंगे हमको इस बार, तभी आपको समझा पाएंगे आपको, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका दिसंबर 2012 का है, एफ कह रहा है मोनोटोनिक है, एफ जो है वो आपका मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, एफ जो है वो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग है रियल वैल्यूड फंक्शन, तो सबसे बढ़िया मान क्या तरीका होता है, एफ को कोई फंक्शन मान लो जो मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग हो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर, तो पहला ऑप्शन
कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, कह रहा है एग्जिस्ट कर रहा है एट ईच पॉइंट ए, ईच पॉइंट ए मतलब ए कोई एक पॉइंट नहीं है, ए का मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एट ईच पॉइंट ए। अभी देखना कितना इजी क्वेश्चन बनाएंगे हम इसको ये। अगर ए आपने कोई नंबर लिया जो कि बी किसी नंबर से कम है, ये और भी दोनों ही कोई रियल नंबर होंगे, तो देन आपसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स की लिमिट किससे, एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ए से थोड़ा ज्यादा, मतलब ए पे आर एच एल है ये, ऊपर प्लस का मतलब आर एच एल होता है ए पे, और ये आपका लिखा है एक्स टेंड्स टू बी माइनस, भाई बी माइनस का मतलब है बी पर एल एच एल, बी पर एल एच एल। तीसरा एफ अनबाउंडेड फंक्शन है, एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन, कह रहा है एफ अनबाउंडेड फंक्शन है। चौथा ऑप्शन कि एक फंक्शन लिया है जी एक्स जो कि क्या है ई की पावर माइनस एफ ऑफ एक्स, कह रहा है ये बाउंडेड फंक्शन है, हम अलग अलग एफ ऑफ एक्स मान के जो जो ऑप्शन गलत है वो अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे, हट जाएंगे, बाउंडेड फंक्शन। अब हम एफ ऑफ एक्स कुछ मान के आपको कुछ ऑप्शन हटा के दिखा रहे हैं आपको, तो चलो करते हैं। सब लोग देखना जरा सा, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग है ठीक है, तो इंक्रीजिंग भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इंक्रीजिंग भी ले सकते हो। तो देखना जरा सा भाई, अगर आपने ये फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने ये ले लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने बाउंडेड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यही ले लो पहले, चलो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ले लो, अरे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स भी ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स भी ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन फिर पहला वाला ऑप्शन नहीं डिस्कार्ड होगा, ये ले लो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स ले लो। आपको पता है ये फंक्शन कैसा होता है, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग है भाई, एक्स बराबर बढ़ाते जाओ, एक्स कितना आएगा जरा बताओ, एक्स पहले आपका जीरो रखो, नेगेटिव में ना रखो, पॉजिटिव में रख दो, नेगेटिव में भी रख सकते हो आप, किसी में भी रखो, तो एक्स तो रियल नंबर है, तो बताओ ये फंक्शन क्या आएगा, अच्छा बताना जरा सा, ये फंक्शन आपका जीरो आएगा है ना, ये कितना मेरा, हम सिर्फ पॉजिटिव में ऐसा आएगा ना, अगर इसको फंक्शन को हम लोग लिखेंगे तो ये फंक्शन का इमेज सेट ऑफ इमेज क्या बनेगी, एक्स जीरो से वन के बीच लोगे जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, बढ़ता जा रहा है, इधर आओगे माइनस वन, माइनस टू इंटीजर आता है खाली, पता ही है वैल्यू खाली। अब बताओ जरा सा ये कैसा है, बताओ जरा, एक्स बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है ना, एक्स बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है या बराबर भी आएगी इनकेस, तो ये मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये कॉन्टिन्यूस कह रहा है, कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल नहीं, आपको हमने बताया है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इस पे, किसी पॉइंट पे किसी भी इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉन इंटीजर पे करती है, बताया था हमने, अगर एक बराबर जीरो पे लोगे तो बताओ जीरो पे कितना आ जाएगा, जीरो से थोड़ा ज्यादा, जीरो से थोड़ा ज्यादा तो ये जीरो प्लस एच, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, जीरो से थोड़ा कम जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच की वैल्यू माइनस वन होती है, हम करा चुके, हम नहीं कराएंगे, मैं दोबारा नहीं बताएंगे, आप खुद सर्च करना कि कैसे ये हो गया। तो ये लिमिट की एग्जिस्ट नहीं करती है किसी भी इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है याद रखना, तो इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपसे कह रहा है हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, गलत बात, हर पॉइंट पे नहीं कर रही है, किस पे नहीं कर रही है, इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो याद रखना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती है किस पर, एट एट ए पर, जहां पर ए क्या है इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती है लिमिट, ठीक है ना, जो लिमिट है वो आपकी इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये आप कैसे नहीं करती है, आप खुद चेक करना, इस बराबर वन पे या टू पे चेक कर लो इसकी लिमिट, या जीरो पे चेक कर लेना, इस तरह से इंटीजर पे नहीं करेगी, बाकी नॉन इंटीजर पे करना हो पॉइंट फाइव पे कर लो करेगी, ये आपको खुद चेक करना है, ये नहीं बता रहे, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया कि सब पॉइंट पे एग्जिस्ट करती लिमिट, गलत। अच्छा बाउंडेड ये कह रहा है, ये कह रहा है यहां से बाउंडेड फंक्शन है, कह रहा है यहां से कि ये बाउंडेड फंक्शन है, अच्छा e की पावर माइनस एफ एक्स कैसे बाउंडेड हो जाएगा जरा बताओ भाई, तो ऑप्शन वन तो गलत हो गया। अब हम यहाँ साइड में आपको ये वाला पार्ट दिखा रहे हैं, ऑप्शन फोर दिखा रहे हैं, जी एक्स कितना है e की पावर माइनस एफ एक्स, एफ एक्स कौन है ये माना हम लोगों ने, एफ एक्स हम लोगों ने ये माना है, अच्छा अब ये बाउंडेड कहाँ है, एक्स आप बढ़ाते जाओ
ये वैल्यू बढ़ती जाएगी की पावर में, e की पावर में माइनस बढ़ता जाएगा, यानी वैल्यू घटती जाएगी, घटती 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 बाउंडेड कहाँ होगा, घटते 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 पता नहीं क्या मिलेगा, तो बाउंडेड तो नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा है, नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड तो नहीं है, नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड तो नहीं आ रहा है, समझ में आ गए, दो पार्ट दो ऑप्शन गलत हो गए, नॉट बाउंडेड भाई, की पावर में एफ एक्स आप ये रख दो, अगर एफ एक्स आपने ये रख दिया या कुछ और रख दो, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर सिर्फ एक्स ही रख दो तब भी आ जाएगा ये वाला आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स रख दो वो भी तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, नॉन डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी ले सकते हो, नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का क्या फर्क होता है पता है ना, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है एक्स बढ़ाते जाओ एफ एक्स बढ़ता ही जाएगा, बस कोई भी दो वैल्यू एफ एक्स की बराबर नहीं मिलेगी, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स के लिए, जबकि एफ एक्स अगर आपको कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग में एक्स बढ़ाते जाओगे और एफ एक्स बढ़ेगा भी और बराबर भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज है आपकी, तो ये आपका जी एक्स बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स ले लो अगर चाहो तो, चाहे तो यही ले लो आपकी मर्जी है, तो ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बाउंडेड नहीं होता है भाई, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है ना, बढ़ती जाती है, और ई की पावर माइनस में है तो घटती जाएगी, घटती जाएगी, बाउंडेड नहीं आएगा, अगर वो बाउंडेड अनबाउंडेड चेक करना होता है तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ले लेते हो, बाउंडेड या अनबाउंडेड चेक हो जाता है, ठीक है, बाउंडेड या अनबाउंडेड चेक करना है, यहाँ पर ऊपर हम इरेज कर रहे हैं आपको, इसको इरेज कर रहे हैं हम, तो बाउंडेड या अनबाउंडेड चेक अगर आपको करना है तो अगर आपका ये लिखा है जी एक्स बराबर कितना लिखा, चलो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना ले लोगे, चलो एफ ऑफ एक्स बराबर ये ले लिया, ठीक है, एक्स टेंड्स टू आप क्या ले लो इन्फिनिटी ले लो, इन्फिनिटी पे तो एक पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, वो तो बाउंडेड हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ले लो, जब एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तो जरा बताना क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी का इंटीग्रल पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस माइनस प्लस तो ई की पावर इन्फिनिटी तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका मतलब अनबाउंडेड, अनबाउंडेड आपको पता है ना, अनबाउंडेड हो गया, बाउंडेड कब कहते हैं आप, बाउंडेड जब कहते हैं आप जब आपका एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, उस पर क्या आता, उस पर आपका कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती जी एक्स की, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी दोनों पे जी एक्स की कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तब आप कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है आपका, जब आप कहते हैं फंक्शन आपका बाउंडेड है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो फंक्शन अनबाउंडेड है, कोई डाउट हो बताइएगा। अब तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एफ हमेशा अनबाउंडेड फंक्शन होगा, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि एफ हमेशा जो है वो आपका एक अनबाउंडेड फंक्शन होगा, अच्छा तीसरा ऑप्शन जो है, अच्छा एफ हमेशा दूसरा नहीं चेक किया, पहले मैंने जानबूझ के हटा दिया है, एफ हमेशा कह रहा है अनबाउंडेड फंक्शन होगा, अच्छा इसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स कुछ और मानना पड़ेगा, ये तो अनबाउंडेड फंक्शन है, ये तो एक अनबाउंडेड है, अब सोचो कोई और फंक्शन ऐसा हो सकता है जो कि अनबाउंडेड हो, जो कि अनबाउंडेड फंक्शन हो या नहीं हो, ये तो अनबाउंडेड है, इससे तो तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये तो अनबाउंडेड ही है फंक्शन, बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, इसका कोई भी सुप्रीमम नहीं है, इसका कोई भी तरफ भीड़ सामने बना, इसका कोई भी सुप्रीमम नहीं है, इसका कोई भी इन्फिमम भी नहीं है, तो ये तो आपका इसको देखा जाएगा तो फिर ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका अनबाउंडेड फंक्शन है, इससे तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन सोच एक बार सोच लो, तो आपने माना हुआ है ये फंक्शन, सोच लो कि क्या कोई और फंक्शन भी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर ये बाउंडेड तो नहीं आ रहा कहीं इफेक्ट, ऐसा सोच लो, मन में सोचो जल्दी सब लोग कि कोई इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि बाउंडेड फंक्शन हो और नॉन डिक्रीजिंग हो, सब लोग मन में सोचिए, जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं नीचे पास, सोचिए मन में कि क्या इफेक्ट, को ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, सोच लीजिए जरा सा कि क्या कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो नॉन डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, अगर कर रहा है तो फिर ये ऑप्शन गलत है, नहीं कर रहा है तो फिर ये ऑप्शन सही है, चलिए जल्दी सोचिए, कोई एफेक्ट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अनबाउंडेड फंक्शन हो, सॉरी जो बाउंडेड हो और नॉन डिक्रीजिंग हो, जो बाउंडेड और नॉन डिक्रीजिंग हो, हम तीसरा ऑप्शन पहले चेक कर रहे हैं, कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो बाउंडेड और नॉन डिक्रीजिंग हो, जो बाउंडेड और नॉन डिक्रीजिंग हो, कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है आपका, जब ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे अपने आप ये सही हो जाएगा, फिर हम इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए लेस देन बी कह रहा है,
ए लेस देन बी का मतलब बहुत सारे नंबर होंगे, ए का मतलब ए कोई छोटा नंबर है, बी कोई बड़ा नंबर है, या वन और टू ले लो, टू और थ्री ले लो, थ्री और फोर ले लो, बहुत सारे होंगे, तो इसको चेक करना मुश्किल है, तो इसी वजह से हम इसको चेक कर रहे हैं। अगर ये तीनों गलत, पहला गलत, चौथा गलत, तीसरा भी गलत हो गया, तो दूसरा प्रयास सही हो जाएगा। ऐसा कई बार आप करते हो, जब फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे करोगे? कोई फंक्शन बताओ एक जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग हो, और बाउंडेड भी हो, इंक्रीजिंग और बाउंडेड भी हो। अरे हमें दिख रहा है, एक मिनट, ये फंक्शन होता है शायद, एक मिनट, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, देखो इंक्रीजिंग होता है शायद, ये एक्स बराबर रखो जरा सा, वन टू थ्री रख रहे हैं, ज्यादा नहीं रख रहे, हालांकि कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन हम ये वन टू थ्री रख रहे हैं। हाँ ये इंक्रीजिंग ही आएगा, ये इंक्रीजिंग ही आएगा, एक्स बराबर वन रखोगे, ऐसे देख लो, एफ डैश एक्स निकालो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर ऐसे कर दो तो, वन प्लस वन अपॉन एक्स, वन का जीरो, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं ये तो डिक्रीजिंग में जाएगा, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है ना, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है तो ये डिक्रीजिंग में जाएगा। अच्छा अरे ये कर दो, हो गया हो गया हो गया, ये कर दो माइनस लगा दो आगे, हो गया, या माइनस लगा दो आगे ऐसे ऐसे माइनस, जब ये माइनस लगा दोगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा और ये माइनस का वन बाई एक्स हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा, हो गया। और ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हमने बताया था जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना कि नहीं, सबके लिए पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, ए जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप कहोगे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या नॉन डिक्रीजिंग लिख सकते हो आप। अब ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, जब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है किसके लिए, पूरे सारे इंटरवल के लिए, पूरे एक्स के लिए, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। जब आपका ये इंक्रीजिंग है तो फिर उस केस में कितना, जरा बताओ ये क्या आ जाएगा, जब एफ ऑफ एक्स आपका इंक्रीजिंग हो गया, और देखो ये फंक्शन बाउंडेड है, सब लोग देखो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है, एंड जब लिमिट आप क्या रखोगे, जब लिमिट रखोगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, जरा बताओ भाई, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, खाली क्या आएगा, माइनस वन, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रखो तब भी बात वही आएगी, तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू आती है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स बाउंडेड हो गया, इसका मतलब है कि एक फंक्शन जो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी हो सकता है, तो इसलिए ये फंक्शन गलत, ये ऑप्शन गलत है कि हमेशा अनबाउंडेड होगा, ये ऑप्शन गलत है, तो तीनों ऑप्शन गलत है, सो वी हैव ऑप्शन टू इज करेक्ट। ऑप्शन टू चेक नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं एग्जाम में कई बार, अगर कई बार आपको होता यह है कि आपको राइट वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा होता है, तो आप एफ ऑफ एक्स कुछ अलग अलग फंक्शन कुछ मान के, अलग अलग मान के, एफ ऑफ एक्स कुछ भी रहे, आपको अलग अलग मान के चीजें, आप ऑप्शन वन, ऑप्शन जो जो ऑप्शन आपको डिस्कार्ड हो रहे हैं वो ऑप्शन आप कोशिश करते हो डिस्कार्ड हो रहे कि नहीं हो रहे, आप ये करो, कोई ऑप्शन ऐसे चारों ऑप्शन देखो डिस्कार्ड हो रहे कि नहीं हो रहे। अब ये ऑप्शन थोड़ा हमको अजीब दिख रहा था तो हमने इसको नहीं छुआ, थोड़ा बड़ा दिख रहा था, बाउंडेड अनबाउंडेड वाला ऑप्शन जो था ये वाला हमको आसान दिख रहा था, ये भी हमको आसान दिख रहा था, पहला वाला तो एकदम ही आसान था ऑप्शन, तो हमने वो ऑप्शन को चेक किया, ज्यादा बेहतर था, जो आसान दिख रहे थे ऑप्शन वो हमने ऑप्शन चेक किया, और वो ऑप्शन अगर आसान वाले गलत हो गए तो इसका मतलब है जो बचा बीच में वो सही है, ऑप्शन टू इज करेक्ट। और कौन सा क्वेश्चन पूछना था? अरे कहाँ चले गए संजीत? सर एक सेकेंड, क्वेश्चन में खो गए थे क्या? 54 54 है, चलो भाई देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन में बता देते, टाइम देखे ना तो छोड़ देंगे, भी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि दो क्लास के बीच में थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है भाई, कभी 7 बजे से क्लास है, तबीयत नहीं सही हो रही है कई दिनों से, डॉक्टर को भी दिखाया है, और नॉर्मल इलाज तो चलता ही रहता मेरा, उसके अलावा भी कभी कभी दिक्कत कर जाता तो अलग डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, एमडी डॉक्टर को। 54 एफ क्लोज इंटरवल से एक ओपन इंटरवल में लिया जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है,
एफ आपका इसका सबसेट है, क्लोज का सबसेट है, तो कह रहा है एफ ऑफ इज क्लोज। ये तो इसमें तो बताए ये वो रह सकती है, इसमें पूरा वो वाली थ्योरम लग जाएगी जो एमएससी में पढ़ते थे, बीएससी वालों को हम बता दे रहे, कोई बात नहीं। चलो तो ये क्वेश्चन जो है आपका 54 जो है दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है ये। कह रहा है एफ जो है आपका 54 नंबर है आपका, क्लोज इंटरवल 0-1 से ओपन इंटरवल 0-1 में है, और कैसा है ये फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एफ जो है इस क्लोज इंटरवल का सबसेट है, और ये कैसा है, इज अ क्लोज सेट। एफ कैसा है आपका, क्लोज सेट है, तो देन आपसे कह रहा है एफ ऑफ एफ यानी इसकी एफ इमेज, इस सेट एफ की एफ इमेज वो भी कह रही है क्लोज होगी इन आर। दूसरा ऑप्शन है आपका कि अगर आपका एफ जीरो जो है वो एफ वन से लेस है तो देन इसकी इमेज निकाल रहे हैं क्लोज इंटरवल 0-1 की, मस्ट बी इक्वल टू, कह रहा है ये किसके इक्वल होगा, क्लोज इंटरवल एफ जीरो और एफ वन के क्लोज इंटरवल। तीसरा ऑप्शन है देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0-1, कह रहा है कोई एक्स लिया जा रहा है जो कि 0-1 में है ओपन इंटरवल में, such that f of x equal to x है, x जो है 0-1 में है, इस तरह से है कि f of x equal to x है, मतलब x की इसकी अंदर, x के अंदर कोई वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसके लिए f of x बराबर x होगा। अच्छा देखते हैं, there exist मतलब जरूरी नहीं है, there exist लगा दे रहे, for all नहीं है, there exist। और क्या कह रहा है आपसे, आखिरी ऑप्शन है आपका कि एफ 0-1 क्लोज इंटरवल में उसकी वैल्यू जो है ओपन इंटरवल 0-1 नहीं है, क्लोज इंटरवल में 0-1 लिया जा रहा है तो उसकी एफ इमेज जो है वो ओपन इंटरवल 0-1 नहीं आएगी। तो चलो ये भी देख लेते हैं जरा, पहली बात तो ये है ना, हमने फिर वही बात आ रही, एक बात हम आपको बता दी जरा सर, जैम वाले बात समझ लें, मैग्नेट वालों को बात मालूम है, एमएससी में थी। अगर फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है तो याद रखना एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है, अगर एफ आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है तो याद रखना पहली बात, अगर एफ आपका कोई ओपन सेट है, एफ आपका ओपन सेट है तो उसकी एफ इमेज भी ओपन होती है, ठीक है याद रखना, उसकी एफ इमेज भी क्या होती है, ओपन होती है, ओपन सेट की एफ इमेज ओपन होती है। और अगर आपका एफ क्लोज सेट है, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए पहले के बाद ये बात आती है, अगर एफ क्लोज सेट है तो उसकी एफ इमेज जो होती है वो क्या होती है, क्लोज होती है, इसका मतलब भाई एफ इमेज जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उसकी एफ इमेज, तो क्लोज सेट की एफ इमेज क्लोज होती है, ओपन सेट की एफ इमेज ओपन होती है, कब, जब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया ना, आपसे कह रहा नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो पूछ रहा है आपसे ना, तो नॉट ट्रू ये पूछ रहा है आपसे। तो ये फंक्शन जो है आपका कह रहा है क्लोज सेट है, जब ये आपका क्लोज सेट है जब ये आपका कॉन्टिन्यूअस है तो ये एफ ऑफ क्लोज सेट है, जब एफ क्लोज सेट है तो उसकी एफ इमेज भी कैसी होगी, क्लोज होगी, बताइए भाई सही है कि नहीं बात। तो ये तो ये ऑप्शन ट्रू है, जब ट्रू है तो आपको नहीं लेना है, आपको कौन सा लेना है, नॉट ट्रू वाला, तो आपको ये नहीं लेना है, क्लियर। अब आ गया, अभी ये ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा बवाली लग रहा है, ये ऑप्शन इजी दिख रहा है,
कह रहा है कोई जीरो से वन के बीच कोई एक्स की वैल्यू होगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा। जीरो से वन के बीच कोई एक्स होगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा। एक मिनट, जीरो से वन के बीच कोई वैल्यू होगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स होगा, तो फंक्शन का ग्राफ बना लो। जीरो से वन के बीच कोई वैल्यू होती है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो? हाँ नहीं, वो तो होती है, हम इसको इरेज कर रहे हैं साइड वाला, हम ग्राफ बना रहे हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम। There exists x belongs to open interval 0 to 1 such that f of x equal to x. चलो ये आपका एक ग्राफ बना लो जरा सा, ये आपका ग्राफ बना लो जरा, ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ ये होता है भाई। तो ये तो भाई बहुत सारी वैल्यू होंगी जीरो से वन के बीच। देखो ग्राफ में देखो, यहां पर एक्स जीरो होगा और यहां पर कहीं एक्स बराबर वन भी होगा, तो जीरो से वन के बीच क्या होंगी, कई सारी वैल्यू आएंगी जिस पर ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इस ग्राफ पे कई सारी वैल्यू है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है भाई। जब ये ट्रू है तो आप इसको नहीं लोगे, क्रॉस मार दे रहे हैं इस ऑप्शन पे, ये ऑप्शन भी ट्रू है क्योंकि आपको कौन सा लेना है जो नॉट ट्रू वाला है, ये ऑप्शन की बात करते हैं। इस ऑप्शन की बात करते हैं कि जीरो कॉमा वन कोई फंक्शन अगर आपने लिया, एफ ऑफ एक्स को फंक्शन लो और जिसको जीरो कॉमा वन क्लोज इंटरवल में, जीरो कॉमा वन क्लोज इंटरवल से आप वैल्यू रखो, तो कह रहा है वो जीरो कॉमा वन ओपन इंटरवल के बराबर नहीं आएगी, सारी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इसकी सारी वैल्यू जो आएंगी वो जीरो कॉमा वन के बराबर नहीं होंगी, मतलब सीधे से कह लो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, है ना कि नहीं भाई। अगर ये सारी वैल्यू एफ में रखो और पूरा पूरा जीरो कॉमा वन मिल जाए तब तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, है कि नहीं, और ये बराबर नहीं मिल रहा है यानी एफ की इसकी ये डोमेन ये लो और डोमेन ये लेकर के आप एफ की में रखो और रखने के बाद अगर ये बराबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात कह लो कि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू प्रूव इट दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यही तो आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा तो इसके लिए क्या करोगे आप, चलो वो भी देख लो जरा सा। अच्छा इसके लिए क्या करोगे आप, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, चलो कैसे प्रूफ करोगे फंक्शन ऑन टू नहीं है। जब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसके लिए आप एक फंक्शन मान लो जिससे आपको दिख जाएगा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। चलो भाई सोचो मन में कि ऑन टू है कि नहीं है, ये सोचना है अगर आपको, तो एक फंक्शन सोचो मानो कि क्या कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो जिसका डोमेन ये हो और को डोमेन ये एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन फंक्शन ऑन टू नहीं आ रहा है, ऑन टू नहीं आ रहा है। लो बहुत सारे हो जाएंगे, यही ले लो, यही ले लो आप एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही ले लो। अब एक साथ जीरो से वन के बीच रखते चले जाओ, पूरा क्वेश्चन पूरा भाई क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है तो हम इनको पूरा एक्सप्लेन करके न्यूमेरिकली कर तो नहीं सकते हैं, आपको समझना ज्यादा है भाई इसमें। चलो एक्स आप ले लो जरा सा जीरो से वन तक कोई नंबर, जीरो लोगे तो जीरो आएगा, वन लोगे तो वन आएगा, है ना। अच्छा जीरो से वन के बीच लोगे, जब यहाँ जीरो से वन के बीच लोगे तो ये जीरो से वन के बीच आएंगे, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए सारे नंबर नहीं मिलेंगे जीरो से वन के बीच, आराम समझना भाई, क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो यहाँ सर जीरो से वन के बीच के सारे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, जीरो से वन के बीच सारे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। चलो ये आपका जीरो लोगे
तो ये जीरो आ रहा है, वन लोगे तो वन आएगा, और जब आप एक्स जीरो से वन के बीच लोगे तो यहाँ पर जीरो से वन के बीच मान लो आपने वन ले लिया, सॉरी वन बाई टू ले लिया, तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, चलो इसके बीच आ रहा है, मतलब इसके बीच आ रहा है, लेकिन इक्वल टू का मतलब है सारे नंबर मिलना है ना, इक्वल टू का मतलब क्या हो गया सारे नंबर मिलना, लेकिन सारे नंबर नहीं मिलेंगे यार, जीरो से वन के बीच सारे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर लोगे तो ये सारे नंबर नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है बहुत सारे नंबर छोड़ देगा बीच में, वो बहुत सारे नंबर ये छोड़ देगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर आपका ये ऑप्शन सही होगा, गलत होने का मतलब है ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया, ये ऑप्शन ट्रू हो जाए, ये चीज ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो गलत करोगे, क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है, आपसे नॉट ट्रू पूछ रहा है, याद रखना उल्टा पूछ रहा है आपसे, एग्जाम में सही से पढ़ लेना क्वेश्चन, ऐसा ना हो पर सही पे लगा कि चले आओ, पूछ रहा था नॉट ट्रू, एग्जाम में सही से पढ़ना हमेशा क्वेश्चन, कभी कभी नॉट ट्रू पूछता है, तो नॉट ट्रू वाला ऑप्शन चेक करना है, मतलब जो ऑप्शन गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है वो आपको चूज करना है, यह स्टेटमेंट ट्रू है, आपने दिखाया क्यों ट्रू है, आपको दिखाया प्रूफ करे क्यों ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो अगर अब आपको एक नया मेथड आज मालूम हुआ है कि कई बार आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे थे कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो आप स्टेटमेंट आप एक फंक्शन मान के अलग अलग फंक्शन मान के ट्राई करते हो कि एक फंक्शन माना जिससे पता चले हाँ कि फंक्शन ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, अगर उस फंक्शन को मानने पर कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं मतलब हट रहे हैं तो फिर उनको हटा दो। अब डिस्कार्ड होने का मतलब है नॉट ट्रू या ट्रू, जो चाहिए होगा वो, तो इस तरह से आप ये बात भी कर सकते हो, ये काम भी कर सकते हो, इस तरह से ऑप्शन चेक करे जाते हैं इस तरह से। चलो ये भी हो गया भाई, अब हम इसके आगे और नहीं बता रहे, ठीक है, बाकी चीजें कल बताएंगे, कल लगभग आपका ये सिंगल करेक्ट वाला तो खत्म हो ही जाएगा और मल्टी करेक्ट वाला ही बचेगा आपका, मेरे ख्याल से एमसीक्यू वाला ही बचेगा, अभी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है क्या, नहीं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, अरे हाँ दिया है भाई उन्होंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन 6-4, हाँ एमसीक्यू वाले बचेंगे, उसके बाद चलो बात करते हैं फिर। सर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ा चुके हैं भाई, अब इसके बाद सीडम शुरू करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला पार्ट शुरू करेंगे इसके बाद हम, ये मैट्रिक स्पेस ये तो नहीं पढ़ाएंगे भाई, ये तो टोपोलॉजी में आता है, ये हम नहीं पढ़ाएंगे मैट्रिक स्पेस, ये आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये तो टोपोलॉजी में आता है ये पार्ट, ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, ये टोपोलॉजी वाला पार्ट वैसे भी एग्जाम में जैम वालों में तो आता ही नहीं, आता ही दो नेट वालों में, टोपोलॉजी वाला जो पार्ट है वो एग्जाम में आपको नहीं करना है, टोपोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है, टोपोलॉजी वाला पार्ट आपको नहीं करना है नेट वालों में, जैम वालों में, सॉरी नेट वालों में, जैम वालों में तो आता ही नहीं है, नेट वालों को टोपोलॉजी वाला पार्ट नहीं करना है, दो तीन एक दो क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं देखना है, आपको मेन करना है रियल है लीनियर अलजेब्रा है, रियल और लीनियर अलजेब्रा मिला के करीब 120 नंबर की आती है नेट में, ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना नेट वालों, लीनियर अलजेब्रा कोई रट डालना एकदम, दो महीने एग्जाम उन्होंने 1 जनवरी 29 जनवरी का जरूर दिया, लेकिन मुश्किल है, देखते हैं अभी तो 29 नवंबर आया नहीं है, तो उन्होंने कहा था दो महीने पहले फॉर्म आएंगे, लेकिन 29 जनवरी उन्होंने कह दिया, लेकिन होगा नहीं, मान के चलो होगा तो कम से कम फरवरी में ही होगा, लेकिन फरवरी में क्योंकि आपका गेट का पेपर है फरवरी में, इसलिए वो या तो गेट के पेपर से पहले कराएंगे या वो गेट के पेपर के बाद कराएंगे एग्जाम, गेट के पेपर के कम से कम 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले कम से कम, या तो 29 जनवरी या 1-2 फरवरी के आसपास हुआ एग्जाम, और नहीं हुआ तो फिर सीधे आपका एग्जाम होगा करीब 15-20 फरवरी के आसपास, या तो 18-20 फरवरी के आसपास होगा, तो गेट के एग्जाम की कम से कम 2-3-4 दिन बाद या तो तब होगा, तो इसलिए भाई आपका अभी नहीं होगा एग्जाम, या तो एकदम जनवरी की फरवरी एकदम 1-2 फरवरी को होगा या 29 जनवरी को ही होगा जो डेट आई है, या तो अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर गेट के एग्जाम के बाद, गेट के एग्जाम इधर से उधर नहीं कर सकता है, गेट के एग्जाम की जो डेट आ गई वही डेट फाइनल रहेगी गेट के एग्जाम की, इट विल नॉट चेंज। चलो